ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उस दौरान पूरे देश में आवाज उठ रही थी। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने वंदे मातरम के नारे पर पाबंदी लगा दी, लेकिन नागपुर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत धीरे धीरे विद्रोह का रूप ले रही थी। 1907 में किसी दिन स्कूल का निरीक्षण करने जैसे ही एक अंग्रेज निरीक्षक दाखिल हुए, उनका स्वागत वंदे मातरम के उद्घोष से हुआ। धीरे धीरे स्कूल की हर क्लास में यही नारा गूंजने लगा। अंग्रेजी हुकूमत को धता बताने वाला ये बालक था केशव, जो आगे चलकर डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार के नाम से भारतीय राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का बड़ा नाम बन गया। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ। हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे। बचपन से ही उनके मन में एक सवाल उठता कि हम आखिर गुलाम क्यों हैं? स्कूली पढ़ाई के बाद वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए। कोलकाता उन दिनों क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र था। हेडगेवार भी जल्द ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और अनुशीलन समिति नाम की क्रांतिकारी संस्था से जुड़ गए। 1916 को डॉक्टर की उपाधि लेने के साथ ही वो वापस नागपुर आ गए। नागपुर से ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभानी शुरू की। जल्द ही वो कांग्रेस से जुड़ गए और कुछ ही समय में विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस के सचिव बन गए। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार पर ही अधिवेशन की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। अधिवेशन में उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने के बारे में प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वो तब पारित नहीं हो सका। गांधी जी से प्रभावित होकर वो कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। 1921 में सत्याग्रह करते हुए उन्होंने गिरफ्तारी दी और एक साल तक जेल में रहे। कांग्रेस से जुड़े होने के बावजूद उन्हें लगता था कि आजादी मिलने के बाद भी समाज में राष्ट्रवाद की भावना स्थायी तौर पर मजबूत रहनी चाहिए। एक मजबूत राष्ट्र के लिए उनकी सोच एक स्वाभिमानी और संगठित समाज के निर्माण की थी। इसी सोच के साथ 1925 में विजयदशमी के दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की। संघ की शाखाओं के जरिए उन्होंने युवाओं के मन में शक्ति, सामूहिकता, अनुशासन और राष्ट्र गौरव के साथ ही समाज के लिए निस्वार्थ भाव से त्याग करने की प्रेरणा दी। कड़ी मेहनत के बूते करीब 15 साल तक पूरे देश में घूम घूम कर वो संघ की विचारधारा के प्रचार और स्वयं सेवकों को जोड़ने में कामयाब रहे। डॉक्टर हेडगेवार भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास रखते थे, लेकिन समाज के विकास और संगठन के लिए वो आधुनिक साधनों का उपयोग करने से पीछे नहीं हटे। वो राष्ट्रहित में व्यक्तिगत मतभेदों को दूर रखने से भी परहेज नहीं करते थे। 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने विदर्भ में जंगल सत्याग्रह में स्वयंसेवकों के साथ भाग लिया और 9 महीने जेल में रहे। डॉक्टर हेडगेवार आलोचनाओं को भी सम्मान दिया करते थे। संघ की गैर राजनीतिक कार्यशैली पर कई बार आपत्ति उठी, लेकिन उन्होंने इसका कभी भी कठोर प्रतिकार नहीं किया और संघ को दिशा देते रहे। हेडगेवार न केवल समान विचारधारा वाले लोगों में लोकप्रिय थे, बल्कि दूसरे दलों के नेताओं से भी उनके काफी अच्छे संबंध रहे। अपने जीवन में वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस के काफी करीबी रहे। महात्मा गांधी के साथ भी वो देश की राजनीति और भविष्य पर चर्चा किया करते थे। सुभाष चंद्र बोस के साथ तो उनका गहरा रिश्ता था। नेताजी के साथ मिलकर वो कई बार संघ के जरिए नए भारत के निर्माण पर चर्चा करते। गंभीर रूप से बीमार होने पर सुभाष चंद्र बोस उनका हाल जानने खुद उनके पास गए, लेकिन नेताजी से मुलाकात के 2 दिन बाद ही 21 जून 1940 को डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार का निधन हो गया। उनका शुरू किया गया संगठन आरएसएस न सिर्फ इस वक्त देश के सबसे महत्वपूर्ण गैर राजनीतिक संगठनों में से एक है, बल्कि ये स्वयं सेवकों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भी बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।